Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all my dear friends and English literature aspirants. This is your host Samia Omar and you're watching MA English Part 1 and 2 Notes. Today I'm going to start the most demanding subject, which is literary criticism, and many students have been asking about its notes and lectures. So today is the day I'm going to start the basics of literary criticism with what is criticism. What is literary criticism? How is it being implemented in various fields? So let's start. The term criticism is often understood to be the act of finding fault, censure, disapproval, the act of criticizing, especially adversely. यानी किसी को नेगेटिव तरीके से क्रिटिसाइज करना या उसमें फॉल्ट फाइंड करने को क्रिटिसिज्म कहा जाता है. But the term criticism as it is used in this course signifies the act of interpreting, analyzing and making judgments of individual and comparative worth of works of art such as literature. जी, interpreting, analyzing का मतलब यह है कि उसको उसकी नाप तोल करना, उसको analyze करना critically और उसके बारे में judgment देना individual या comparative दोनों तरीके से, कि इस जो भी वर्क ऑफ आर्ट है उसकी क्या वैल्यू है. जैसे लिटरेचर का कोई भी काम है, जैसे पोइट्री हो गई, तो उसके वर्क को एनालाइज करके उसके बारे में एक स्टेटमेंट देना, उसको क्रिटिसिज्म कहते हैं. अ क्रिटिकल कमेंट, रिव्यू, आर्टिकल, एसे एक्सेट्रा, एक्सप्रेसिंग सच एनालिसिस एंड जजमेंट. ये क्रिटिकल कमेंट भी हो सकता है, रिव्यू हो सकता है, किसी आर्टिकल के ज़रिए भी कमेंट किया जा सकता है या एसे के ज़रिए. द आर्ट प्रिंसिपल्स और मैथड्स ऑफ अ क्रिटिक और क्रिटिक्स, कि जिस तरीके से क्रिटिसाइज किया जाता है, जो मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, उसको भी क्रिटिसिज्म ही कहते हैं. नेक्स्ट इज व्हाट इज लिटरेरी क्रिटिसिज्म. लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज़ द इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, क्लासिफिकेशन एंड अल्टीमेटली द जजमेंट ऑफ लिटरेरी वर्क्स. लिटरेरी क्रिटिसिज्म का मतलब यह है किसी चीज़ को इंटरप्रेट करना, उसका एनालिसिस करना, उसको क्लासिफाई करना और फिर आखिर में उसकी जजमेंट करना लिटरेरी वर्क्स के तौर पे, यानी बाकी लिटरेरी वर्क से एनालिसिस या कंपैरिजन करके उसको जज करना. इट इज़ यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ अ क्रिटिकल एसे, बट इन डेप्थ बुक रिव्यूज़ कैन समटाइम्स बी कंसिडर्ड एज लिटरेरी क्रिटिसिज्म. ये जो बुक रिव्यूज़ दिए जाते हैं ना आखिर में, कि इस बुक का ये रिव्यू दिया गया है, और फिर रीडर्स उस रिव्यूज़ को पढ़ते हैं पहले और फिर उस बुक को पढ़ते हैं, उसकी वजह यही होती है कि उसमें क्रिटिकली एनालाइज किया जाता है कि ये बुक जो है, इसमें जो लिटरेरी काम है या इसमें जो उन्होंने लिटरेचर यूज़ किया है वो किस टाइप का है. क्रिटिसिज्म में एग्जामिन अ पर्टिकुलर लिटरेरी वर्क और मे लुक एट एन ऑथर्स राइटिंग एज अ होल. जी, ऑथर की राइटिंग को वो स्टडी करते हैं, उसको एग्जामिन करते हैं और फिर उसके बारे में अपनी राय देते हैं. इसी तमाम काम को क्रिटिसिज्म कहा जाता है. आई होप आपको समझ आ गई होगी कि क्रिटिसिज्म से क्या मुराद है. टुडे आई एम गोइंग टू कवर द फर्स्ट टॉपिक ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म व्हिच इज़ इंक्लूडेड इन आवर सिलेबस. दैट इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन टू जॉनर्स, एपिक एंड ट्रेजेडी. इन दोनों में क्या फ़र्क है और इनको हम अभी एनालाइज करेंगे कि इनमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या डिफरेंसेस हैं. दैट इज़ नोन एज कंपैरिजन. सो लेट्स स्टार्ट. द मेन डिफरेंस बिटवीन एपिक एंड ट्रेजेडी इज़ दैट एपिक यूजेस नरेशन, वेयर एज ट्रेजेडी यूजेस ड्रामेटाइजेशन. एपिक जो है वो नरेशन यूज़ करती है, जबकि ट्रेजेडी जो है उसको ड्रामेटाइज किया जाता है. हेंस एपिक इज़ अ लॉन्ग पोएम व्हाइल ट्रेजेडी इज़ यूजुअली अ प्ले. एपिक एक बहुत लंबी नज़म होती है, जबकि ट्रेजेडी जो है वो ज़्यादातर एक ड्रामे की शक्ल में पेश किया जाता है. मोर ओवर एन एपिक इज़ कंपैरेटिवली लेंथियर देन ट्रेजेडी. एपिक जो है बहुत लंबी होती है ट्रेजेडी से. एपिक एंड ट्रेजेडी आर टू जॉनर्स ऑफ पोइट्री. ये शायरी के दो क्लासिफिकेशंस कह सकते हैं या क्लासेस कहा जाता है इनको, कि एपिक और ट्रेजेडी जो है दो जॉनर्स हैं पोइट्री की. Aristotle first explained the nature of both epic and tragedy. उसने दोनों को explain किया था सबसे पहले. Accordingly, both epic poetry and tragic poetry have similar literary characteristics. दोनों की similar literary characteristics थी. However, there is a distinct difference between epic and tragedy as well. दोनों में काफ़ी वाज़े फ़र्क मौजूद है.
नेक्स्ट इज एपिक वर्सेस ट्रेजेडी, क्या फ़र्क है इन दोनों में वो हम देखते हैं. एपिक अ लॉन्ग पोएम दैट नरेट्स द डीड्स एंड एडवेंचर्स ऑफ एन एपिक हीरो हु इज़ ऑफ हिस्टोरिकल और लेजेंडरी रिलीजियस सिग्निफिकेंस. एक लंबी नज़म होती है जो नरेट करती है एपिक हीरो की डीड्स और उसके एडवेंचर्स को जो कि हिस्टोरिकल या लेजेंडरी रिलीजियस सिग्निफिकेंस का हामिल होता है. ट्रेजेडी अ पोएम और प्ले कॉम्प्राइजिंग ऑफ ट्रेजिक इवेंट्स एंड हैविंग एन अनहैप्पी एंडिंग स्पेशली कंसर्निंग डाउनफॉल ऑफ द मेन करेक्टर. के हीरो के डाउनफॉल का उन्होंने पूरा एक सिनेरियो पेश किया होता है जिसकी अनहैप्पी एंडिंग होती है और उसमें ट्रेजिक इवेंट्स पेश किए जाते हैं, उसको ट्रेजेडी कहा जाता है. is usually the celebration of a legendary hero which is heightened by the sadness and feeling of loss invoked by the tragic ending of the hero. Iska epic ka aim yahi hota hai ki wo legendary hero ko celebrate kare hote hain jisme sadness dikhai ja rahi hoti hai aur feeling of loss bhi hota hai jab hero ki tragic ending hoti hai. Aim is to invoke catharsis in the audience and to warn them of similar situations in their lives as well. ये ट्रेजेडी का एम ये है कि वो कैथारसिस को इन्वोक करता है और ऑडियंस जो हैं उनको वार्निंग देता है कि वो उनकी ज़िंदगी में ऐसी सिमिलर सिचुएशंस हो सकती हैं. एन एपिक हीरो इज़ टिपिकली अ मेल विद अ सुपर ह्यूमन हायर स्टेटस. अ ट्रेजिक हीरो कैन बी अ हीरो और हीरोइन बट अ पर्सन ऑफ नोबल बर्थ. एपिक टिपिकली कंसिस्ट ऑफ हेक्सामीटर. ट्रेजेडी कंसिस्ट ऑफ मैनी मीटर्स सच एज एमबीए पेंटामीटर tetrameter, trochaic, etc. uses narration and tragedy uses dramatization. Epic is more lengthy and tragedy is more compact and unconcentrated. Comprises of several major events. Have only one event or one major event accompanied by other minor events. तो ये तमाम differences थे epic और tragedy के दरमियान. What is an epic? Epic is a long poem that narrates the deeds and adventures of an epic hero who is of historical or legendary or religious significance. The protagonists of these epic narratives encounter ample obstacles and disaster as well as action and triumph. However, most of these epics end in a tragic manner. एपिक जो है एक बहुत लंबी नज़म होती है जो कि एपिक हीरो की डीड्स को नरेट करती है, उसके एडवेंचर्स को, लेकिन उसका जो एंड होता है वो ट्रैजिक होता है. इन ब्रीफ एपिक इज़ अ प्रोलॉन्ग नरेशन ऑफ अ हीरोइक ड्रामा सेंटर्ड ऑन वन हीरो. ये कहा जा सकता है कि एपिक जो है एक प्रोलॉन्ग्ड कहानी है एक हीरोइक ड्रामे की जिसका सेंट्रल फोकस जो है एक हीरो है. Therefore, an epic typically consists of many episodes that are broken down to several books, such as Homer's epics are divided into 24 books. John Milton's Paradise has been divided into 12 books. ये जो epic होती है ये बहुत सारी episodes पे बनी होती है जिसको break down किया गया होता है बहुत सी books के अंदर. होमर की जो एपिक्स थी उनको डिवाइड किया गया था 24 बुक्स में और जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट जो थी वो डिवाइड की गई थी 12 बुक्स पे. एशियंट ओरल हीरोइक पोइट्रीज और स्टोरीज आर कंसिडर्ड द ओरिजिन ऑफ एपिक्स. पुराने ज़माने की कदीम जो शायरी होती थी या कहानियाँ होती थी उनको एपिक्स का ओरिजिन कंसिडर किया जाता है. एपिक कंसिस्ट ऑफ सिंगल इवेंट्स और एक्शंस एज इज प्रॉपर कंटेंट. एपिक का जो प्रॉपर कंटेंट होता था वो एक ही सिंगल इवेंट या एक्शन पे बेस्ड होता था. The greater part of the content is concentrated to teach the hero's journey, which is full of heroic actions. और जो इसका बड़ा पार्ट जो था इसके कंटेंट का वो कंसनट्रेटेड होता था ताकि हीरो के जर्नी को पढ़ा सकें और which was full of heroic actions. The action should comprise of a beginning, middle and which is usually a tragedy. जो एक्शन था वो बेस करता था एक बिगनिंग पे, उसका एक मिडल होता था और उसका एक एंड होता था जो कि यूजुअली एक ट्रेजेडी होती थी. द एपिक हीरो इज़ समवन हुज़ बर्थ डिटेल्स आर अनयूजुअल एंड इज़ अ पर्सन विद सुपर नेचुरल एफिनिटी.
उसकी बर्थ डिटेल्स जो थी वो अनयूजुअल होती थी, और वो एक ऐसा इंसान होता था जिसमें सुपर नेचुरल ताकत होती थी, रिप्यूटेड सन ऑफ अ गॉड और अ डेमी गॉड, उसका खुदाओं से ताल्लुक होता था। ही इज़ देयरफॉर अ सुपर ह्यूमन हु हैज़ एनिमीज एमिंग टू किल हिम और किडनैप हिम। वो एक सुपर ह्यूमन के तौर पर पेश किया जाता था जिसको उसके एनिमीज कत्ल करना चाहते हैं या उसको किडनैप करना चाहते हैं। Therefore, he is sent away and looked after by foster parents for his protection. उसको दूर भी भेज दिया जाता था ताकि उसके foster parents उसका ख्याल करें, उसकी तरबियत करें। However, when he reaches manhood, he goes for his future kingdom. यानी जब इंसानों में वो दाखिल होता है, इंसानों की दुनिया में, तो वो अपनी future kingdom की तरफ जाता है। As he goes on this journey quest, he engages in deeds of great valor and courage. जब वो इस जर्नी पे जाता है तो फिर उसकी बहादुरी के किस्से बयान किए जाते हैं। इवेंचुअली ही बिकम्स अ किंग एंड इवेंचुअली द डिवाइन वर्ल्ड इंटरफेयर्स विद द ह्यूमन वर्ल्ड, और आखिरकार वो बादशाह बन जाता है और डिवाइन वर्ल्ड फिर इंटरफेयर करती है ह्यूमन वर्ल्ड के साथ। इवेंचुअली द एपिक हीरो मीट्स अ सिम्बॉलिक डेथ एंड ऑफन हैज़ टू ट्रैवल टू अंडर वर्ल्ड। The plot of the epic consists of many episodes, unlike that of tragedy, which makes an epic longer in length than a tragedy. Epic के plot में बहुत सी episodes होती हैं जिसकी वजह से वो लंबी होती है tragedy से। Similarly, the time limit of an epic is not fixed, as it has the ability to depict numerous actions or events of different persons happening simultaneously at different times. इसका कोई time zone fix नहीं होता epic का, क्योंकि बहुत से एक्शंस और इवेंट्स हो रहे होते हैं डिफरेंट लोगों के साथ, डिफरेंट जगहों पर और डिफरेंट टाइमिंग्स में। अकॉर्डिंगली सम करेक्टर्स एंड इवेंट्स इन एपिक्स आर हिस्टोरिकल सच एज द ट्रोजन वॉर, वाइल अदर करेक्टर्स आर मोस्टली और प्योरली मैथोलॉजिकल सच एज पर्सियस। इसमें करेक्टर्स जो हैं वो या इवेंट्स कह सकते हैं हिस्टोरिकल होते हैं, जिस तरह के ट्रोजन वॉर, और बहुत सारे करैक्टर्स जो हैं वो प्योरली मैथोलॉजिकल भी होते हैं जैसे पर्सियस। नेक्स्ट इज करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एपिक, इसको आप नोट कर लीजिएगा और एज इट इज़ आप पेपर में भी लिख सकते हैं। एन एक्सटेंसिव एंड प्रोलॉन्ग नरेटिव इन वर्स, एक लंबी कहानी होती है वर्स की सूरत में। एलिवेटेड एंड सेरेमोनियल डिक्शन टिपिकली कंप्राइजिंग ऑफ हेक्सामीटर, ये एलिवेटेड होती है और सेरेमोनियल डिक्शन मतलब इसकी बड़ी फैंसी डिक्शन है, अल्फाज बहुत फैंसी हैं और इसमें हेक्सामीटर का इस्तेमाल किया गया है। बिगनिंग विद एन इन्वोकेशन टू द म्यूज, खुदाओं से दुआ की जाती है शुरुआत में। Presence of supernatural beings and marvels. जी यहाँ पे supernatural elements को शामिल किया जाता है, जैसे कि fairies हो गई और supernatural beings हो गए। Presence of a hero who is superhuman, legendary and celebrated and engages in deeds of great courage and valor. इसमें एक hero होता है जो superhuman होता है, लेजेंडरी होता है, उसको सेलिब्रेट किया जाता है जिस तरह के कोई बादशाह, और उसके बहादुरी के किस्से भी बयान किए जाते हैं। द हीरो इज टिपिकली अ मेल हुज कैरेक्टर ट्रेट्स रिप्रेजेंट्स द आइडियल्स ऑफ हिज सोसाइटी। हीरो जो है वो टिपिकली मेल होता है जो कि अपने सोसाइटी के आइडियल्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। हैज़ अ वास्ट जियोग्राफिक सेटिंग ऑफ डिफरेंट नेशंस द वर्ल्ड और इवन द यूनिवर्स। उसकी जो सेटिंग होती है वो बहुत वास्ट होती है, यानी पूरी दुनिया को रिप्रेजेंट किया होता है या पूरी यूनिवर्स को। कन्वेज टाइमलेस एंड यूनिवर्सल थीम्स, उसमें ऐसे थीम्स डिस्क्राइब किए गए होते हैं जो टाइमलेस होते हैं और यूनिवर्सल होते हैं। सम फेमस एपिक्स आर होमर्स इलियड, होमर्स ओडिसी, वर्जिल्स एनियड, जॉन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट एंड महाभारत एक्सेट्रा। ये तमाम मशहूर एपिक्स के नाम हैं जिसमें होमर की इलियड शामिल है, ओडिसी शामिल है इसमें, एनियड शामिल है, और जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट का भी नाम बहुत मशहूर एपिक्स में आता है। नेक्स्ट इज ट्रेजडी, वॉट इज ट्रेजडी? ट्रेजडी इज़ अ ड्रामेटिक पोएम और अ प्ले कंप्राइजिंग ऑफ ट्रेजिक इवेंट्स एंड हैविंग एन अनहैप्पी एंडिंग। एक ये ड्रामेटिक पोएम होती है या प्ले होता है जिसमें ट्रेजिक इवेंट्स होते हैं और उसके आखिर में अनहैप्पी एंडिंग होती है। स्पेशली वन कंसर्निंग द डाउनफॉल ऑफ द मेन कैरेक्टर, हीरो का डाउनफॉल दिखाया जाता है इसमें। हंस इन दिस द हीरो फेसेस हिज और हर डाउनफॉल बाय हिज और हर ओन फ्लॉज दैट इज़ नोन एज हमार्शिया।
such as greed, over ambition or even an excess of love, honor or loyalty. यानी अपनी ही गलती की वजह से या अपने गरूर की वजह से उसका डाउनफॉल होता है. It enables to invoke catharsis, affecting through pity and fear the purification of such emotions in the audience. इसकी वजह से catharsis evoke किया जाता है audience में, कि वो emotional एक roller coaster से गुजरते हैं जहाँ पे उनको खौफ भी तारी होता है और फिर उनको रहम आता है उस character पे जो कि tragedy का शिकार हुआ. Aristotle explains tragedy as, tragedy is an imitation of an action that is admirable, complete, composing of an introduction, a middle part and an ending. ये आप ट्रेजडी की डेफिनेशन नोट कर लीजिए अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, कि वो ये कहता है कि ये ट्रेजडी जो है एक एक्शन की इमिटेशन होती है जो एडमायरेबल भी हो और कंप्लीट हो, जिसमें इंट्रोडक्शन हो, मिडल पार्ट हो और उसका एंड भी हो, और एंड पोजेसेस मैग्नीट्यूड इन लैंग्वेज मेड प्लेयरेबल, उसकी लैंग्वेज प्लेयरेबल हो, ईच ऑफ इट्स स्पीशीज सेपरेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स, परफॉर्म्ड बाय एक्टर्स नॉट थ्रू नरेशन, अफेक्टिंग थ्रू पिटी एंड फियर द प्योरिफिकेशन ऑफ सच इमोशंस, यानी उसमें कैथारसिस हो एंड में. पोइटिक्स बाय एरिस्टोटल, ये एरिस्टोटल की बुक पोइटिक्स थी जिसमें उसने ये डेफिनेशन दी है. द अर्लीस्ट नोन ट्रेजडीज आर ऑल ग्रीक प्लेज, एज ऑलमोस्ट ऑल ग्रीक फिलोसफर्स बिलीव ट्रेजडी टू बी द हाइएस्ट फॉर्म ऑफ लिटरेचर. ज़्यादातर ग्रीक फिलोसफर्स जो हैं वो ट्रेजडी को हाइएस्ट फॉर्म ऑफ लिटरेचर समझते थे, इसीलिए जो अर्लीस्ट प्लेज थे उनके वो ज़्यादातर ट्रेजिक ही थे. Next is Aristotle. According to Aristotle, a tragedy should consist of mainly six elements. Tragedy ke elements bhi note kar lijiye: plot, character, thought, diction, song and spectacle. Ji, ye six elements hain tragedy ke. The plot is divided into five acts and each act is further divided into several scenes. Plot jo hai 5 acts mein divide kiya jata hai aur phir aage mukhtalif scenes hote hain uske. Characters include hero and heroine and other minor characters. Hero, heroine major characters हैं और बाकी उनके अलावा जो characters हैं उनको minor characters कहते हैं. Thought refers to the character's thoughts and feeling during the plot development. Thoughts से मुराद ये है कि character की सोच क्या है और वो किस तरह feel करता है जैसे जैसे plot develop होता है. The diction should be embellished with each kind of artistic element which is done by the song. Diction जो है वो embellish होनी चाहिए, यानी fancy words use किए जाने चाहिए उसमें. The spectacle refers to the theatrical effect presented on the stage. कि किस तरह से actors जो है perform करें stage पे, उसका theatrical effect क्या है. The structure of the plot of a tragedy can be a simple or complex one. Plot का structure simple भी हो सकता है और complex भी. It begins by the portrayal of the tragic hero who is in his prime and with a life full of success, respect and happiness. But unfortunately, as a result of his tragic flaw, Hamartia, he ends up meeting his downfall. Unfortunately, वो downfall का शिकार होता है. पहले वो बड़ी prosperous life गुजारा होता है, उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ होती हैं, रिस्पेक्ट होती है, सक्सेस होती है, लेकिन उसके बाद उसकी अपनी गलती की वजह से उसका डाउनफॉल होता है. एंडिंग अप हिज लाइफ इन आइसोलेशन एंड डिस्ट्रक्शन, जिसकी वजह से उसकी डिस्ट्रक्शन होती है आखिर में. हैंस द प्लॉट फॉलोज अ ग्रेजुअल डिसेंट फ्रॉम ग्रेटनेस टू रुइनेशन डिस्ट्रक्शन. यानी प्लॉट आगे बढ़ता है, पहले ग्रेटनेस दिखाई जाती है उसकी और फिर उसकी डिस्ट्रक्शन की तरफ जाता है. In the end, the spectators feel a deep sense of sadness, pity and empathy. Spectators यानी audience जो हैं उनको बहुत sadness feel होती है और pity feel होती है उसके साथ, hero के साथ. Which is also known as pathos for the hero, which is then followed by the understanding of the warning to protect a person's life from the ordinary human flaws before it leads to a person's destruction as the hero's life. इससे पहले कि किसी और की ज़िंदगी ख़राब हो, इसमें यहाँ पे वार्निंग दी गई है ताकि उस इंसान की ज़िंदगी को प्रोटेक्ट किया जा सके ह्यूमन फ्लॉ से, और वो गलतियाँ ना दोहराए जो कि हीरो ने की थी. दिस रिलीज ऑफ इमोशनल टेंशन आफ्टर एन ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस दैट रिस्टोर्स और रिफ्रेश द स्पिरिट इज़ द कैथारसिस. इसको कैथारसिस कहा जाता है जो आपकी स्पिरिट को रिस्टोर करे
रिफ्रेश करे, विच इज़ द मेन इंग्रेडिएंट और एलिमेंट ऑफ ट्रेजेडी। कैथारसिस के बगैर ट्रेजेडी नामुकम्मल है। नेक्स्ट इज करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ट्रेजेडी, कंप्राइज ऑफ 6 एलिमेंट्स: प्लॉट, करैक्टर, थॉट, डिक्शन, सॉन्ग एंड स्पेक्टिकल। 6 एलिमेंट्स होते हैं इसके। एलिवेटेड एंड सेरेमोनियल डिक्शन इस्तेमाल की जाती है इसमें, टिपिकली कंप्राइजिंग ऑफ एम्बिएक, पेंटामीटर, टेट्रामीटर एंड ट्रोकेक। इसमें भी एम्बिएक, पेंटामीटर का इस्तेमाल किया जाता है और ये फैंसी डिक्शन यूज़ की जाती है इसकी वर्डिंग्स में। नो फास्ट मेन इवेंट्स बट सर्कल्स अराउंड वन मेन इवेंट अकम्पनीड बाय अदर माइनर इवेंट्स एंड लिमिटेड टू वन जियोग्राफिक सेटिंग। इसके कोई बड़े इवेंट्स नहीं होते लेकिन इसका एक मेन इवेंट होता है जिसके इर्द गिर्द बाकी छोटे छोटे इवेंट्स घूम रहे होते हैं और ये इसकी एक ही जियोग्राफिक सेटिंग होती है एंड वो वहीं तक लिमिटेड होते हैं वहाँ जो भी इवेंट्स होते हैं। द ट्रैजिक हीरो और हीरोइन हु इज़ अ गुड एंड नोबल पर्सन ऑफ हाई स्टेचर हैज़ अ ट्रैजिक फ्लॉ। जो ट्रैजिक हीरो या हीरोइन होती है वो हाई स्टेचर से ताल्लुक़ रखते हैं लेकिन उनमें एक ट्रैजिक फ्लॉ होता है, कॉरेस्पॉन्ड टू ऑर्डिनरी ह्यूमन फ्लॉज, जो बिल्कुल आम इंसानों की तरह उनमें भी फ्लॉज होते हैं। दैट लीड्स टू दिस डिस्ट्रक्शन विच इज़ द डेथ, और वो उनको मौत की तरफ लेके जा रहे होते हैं, उनकी डिस्ट्रक्शन की तरफ। द ट्रेजेडी एकम्पनीड बाय कैथारसिस, द एम्पैथी टू द हीरो। ट्रेजेडी जो है वो आखिर में कैथारसिस होता है उसके, और हीरो के साथ कंपैशन होता है और सिंपथी होती है ऑडियंस की। सम एग्जांपल्स ऑफ वेल नोन ट्रेजेडीज आर शेक्सपियर्स ओथेलो, मैकबेथ, हैमलेट, रोमियो एंड जूलियट, क्रिस्टोफर मालोज, डॉक्टर फॉस्टर्स एक्सेट्रा, आर्थर मिलर्स द क्रूसिबल एक्सेट्रा। ये वो तमाम एग्जांपल्स हैं ट्रेजेडी की जिनका जो एंड है वो अनहैप्पी होता है और उसमें डाउनफॉल दिखाया गया है हीरो का। आई होप आपने ये सब ऑलरेडी पढ़ा होगा तो आपको आइडिया होगा कि ट्रेजेडी से क्या मुराद है और इसकी एंडिंग किस तरह से होती है। नेक्स्ट इज सिमिलैरिटीज़ बिटवीन एपिक एंड ट्रेजेडी, क्या वो बातें हैं जो दोनों में सिमिलर हैं एपिक और ट्रेजेडी के दरमियान। एपिक एंड ट्रेजेडी डील विद करैक्टर्स ऑफ हायर टाइप्स, दैट इज़ हीरोज, दोनों हीरोज़ के साथ डील करती हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ बोथ एपिक एंड ट्रेजेडी कंसिस्ट ऑफ कॉमन लिटरी एलिमेंट्स सच एज प्लॉट, करैक्टर्स, थॉट एंड डिक्शन। दोनों के सेम लिटरी एलिमेंट्स हैं जिसमें प्लॉट शामिल है, करैक्टर्स, थॉट और डिक्शन। Similar to tragedy plots, the epic plots are neither simple or complex, filled with suffering or concentrating on the character, which enables to create catharsis in the audience. जी, tragedy plots की तरह epic plots भी ना simple हैं ना complex हैं और वो filled होते हैं suffering के साथ, जिसमें concentrate किया जाता है character के ऊपर, जिसकी वजह से कैथारसिस अपराइज करता है ऑडियंस में। असाइड फ्रॉम स्पेक्टेकल एंड मेलोडी, द 6 पार्ट्स ऑफ ट्रेजेडी आर ऑल प्रेजेंट इन एपिक पोइट्री। वो तमाम के तमाम 6 पार्ट्स ट्रेजेडी के वो एपिक पोइट्री में भी शामिल होते हैं। डिफरेंस बिटवीन एपिक एंड ट्रेजेडी, नाउ कम्स द डेफिनेशन। An epic is a long poem that narrates the deeds and adventures of an epic hero who is of historical or legendary or religious significance. Yani ek wo high birth se taluq rakhta hai epic hero, aur ye ek long poem hoti hai jo narrate karti hai epic hero ke adventures aur uski deeds ko. A tragedy on the other hand is a poem or a play comprising of tragic events and having an unhappy ending, especially one concerning the downfall of the main character. जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ट्रेजेडी जो है वो पोएम या प्ले होती है जिसमें ट्रेजिक इवेंट्स होते हैं, आखिर में एक अनहैप्पी एंडिंग होती है और वहाँ पे दिखाया जाता है मेन करेक्टर का डाउनफॉल, यानी हीरो का डाउनफॉल। दीज डेफिनेशंस एक्सप्लेन द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन एपिक एंड ट्रेजेडी। ये दोनों डेफिनेशंस इनमें जो मेन डिफरेंस है उसको यहाँ पे वाज़े तौर पे आपको क्लियर करती है कि दोनों में क्या फ़र्क है, उनका डिफरेंस क्या है। मोड, द मेन डिफरेंस बिटवीन एपिक एंड ट्रेजेडी इज दैट एपिक इज़ अ नरेशन, वेयर एज ट्रेजेडी यूजेस ड्रामेटाइजेशन।
ये बहुत वाज़े फ़र्क है दोनों में कि आप एक जो है वो नरेशन है, कहानी की सूरत में बयानिया है, और जो ट्रेजडी है वो ड्रामाटाइजेशन है, उसमें ड्रामाटाइज करके दिखाया जाता है सब कुछ. Next is aim. The aim of an epic is usually the celebration of a legendary hero, which is heightened by the sadness and feeling of loss invoked by the tragic ending of the hero. Hero ki tragic ending ko dikhaya jata hai, usko celebrate kiya jata hai, uski sadness ko aur uski feeling of loss ko. Whereas the aim of a tragedy is to invoke catharsis in the audience and to warn them of similar situations in their lives as well. ट्रेजिडी जो है वो उसका एम ये होता है कि वो ऑडियंस में कैथार्सिस को इन्वोक करे और वॉर्न भी करे उनको, ताकि उनकी ज़िंदगी में वो सिमिलर सिचुएशंस ना आए जो कि हीरो ने फेस की थी. हीरो इज़ आल्सो अ डिफरेंस बिटवीन एपिक एंड ट्रेजिडी. ये भी एक फ़र्क है एपिक और ट्रेजिडी में. एन एपिक हीरो इज़ टिपिकली अ मेल विद अ सुपर ह्यूमन हाई स्टेटस, वेयर एज अ ट्रेजिक हीरो कैन बी हीरो और हीरोइन बट अ पर्सन ऑफ नोबल बर्थ. एपिक का हीरो जो है वो मेल होता है, लेकिन ट्रेजिक हीरो जो है वो मेल और फीमेल दोनों हो सकती हैं, लेकिन उनका ताल्लुक एक नोबल बर्थ से होना चाहिए. आफ्टर दैट द नेक्स्ट वन इज मीटर. एपिक टिपिकली कंसिस्ट ऑफ हेक्सामीटर, वेयर एज ट्रेजिडी कंसिस्ट ऑफ मैनी मीटर सच एज एमबीएक, पेंटामीटर, टेट्रामीटर, शोकेक एक्सेट्रा. दिस इज अनदर डिफरेंस बिटवीन एपिक एंड ट्रेजिडी. जी, मीटर के भी डिफरेंसेस हैं दोनों एपिक और ट्रेजडी में. लेंथ, मोर ओवर एपिक इज़ मोर लेंथी दैन अ ट्रेजडी. मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ ये बहुत लंबी होती है ट्रेजडी से. ट्रेजडी बाय नेचर इज़ मोर कॉम्पैक्ट एंड कंसंट्रेटेड दैन एन एपिक. उसका प्लॉट बहुत कंसंट्रेटेड होता है, कॉम्पैक्ट होता है, और ये एपिक से ज़्यादा कंसंट्रेटेड और कंपोज्ड होती है. Events, epic comprises of several major events, whereas a tragedy can have only one event or one major event accompanied by other minor events. ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ. This is another difference between epic and tragedy. Then comes time limit. Time can demonstrate simultaneous events, therefore there is no restriction of time in an epic, whereas there is a time limit restriction in a tragedy. As it can only demonstrate one event of one or more persons happening in one time at one specific place. Next comes famous literary pieces. Famous epics include Homer's Iliad, Homer's Odyssey, Virgil's Aeneid, John Milton's Paradise Lost, Indian epic Mahabharata, etc. While famous tragedies include Christopher Marlowe's Dr. Faustus, Arthur Miller's The Crucible, Shakespeare's Macbeth, King Lear, Romeo, Juliet, Othello, etc. This is another difference between epic and tragedy. Ji, examples di gayi hain. Aap isme complete example de sakte hain Oedipus Rex ki aur epic poem Paradise Lost ki, taaki aapko फ़र्क पता चल जाए दोनों में, और जो एग्ज़ामिनर आपका पेपर चेक करेगा उसको भी ये पता चल जाएगा कि आपको दोनों की एग्ज़ाम्पल्स पता हैं और इनका वाज़े फ़र्क आप कर सकते हैं. फाइनली टचिंग द कंक्लूजन, एपिक एंड ट्रेजेडी आर टू लिटरेरी जॉनर्स दैट शेयर डिफरेंसेस एज वेल एज सेवरल सिमिलैरिटीज़, जिनके डिफरेंसेस भी हैं और बहुत सी सिमिलैरिटीज़ भी हैं. Accordingly, the main difference between epic and tragedy is that epic uses narration, whereas tragedy uses dramatization. Hence, epic is a long poem, while tragedy is usually a play. This is a summary of the difference between epic and tragedy. Okay, students, I hope you have understood the first lecture of literary criticism. And if you have any sort of questions or queries, you are most welcome to comment below. I'll be glad to answer you all. Till then, students, this is your host, Samia Omar, signing off from M English Part 1 and 2 Notes. Don't forget to like my video and subscribe my channel for more informative and quality notes videos. Also, press the bell icon for notifications so that you don't miss any video. Take care and Allah Hafiz.